स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमा पर सैनिकों को जवाब देने की पूरी आजादी, प्रधानमंत्री का बयान, पाकिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत, शांति के लिए संवाद जरूरी। टीबी कैंसर का इलाज होगा सस्ता, सरकार ने 42 जरूरी दवाओं के दाम 15% तक घटाए, गंभीर बीमारियों से जुड़ी 54 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, यूपी में गंगा समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा, बारिश से दिल्ली में गर्मी से राहत। ब्रेक्जिट पर पहल के लिए कैमरन ने बनाई टीम, 2 सितंबर तक नए प्रधानमंत्री का चयन, ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक आज। और ग्रास कोर्ट चैंपियन बनने की जंग शुरू, जोकोविच फेडरर वीनस का जीत के साथ आगाज, पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी अना इवानोविच पहले ही दौर में उलटफेर की शिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शांति बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के प्रयास जारी हैं। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में उन्होंने दो टूक कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जहां मेज पर बातचीत का रास्ता खोला है, वहीं सरहद पर सैनिकों को किसी भी जुबान में जवाब देने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत को हर पल सजग रहना होगा और उसमें कोई ढिलाही और कोताही नहीं बरती जा सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रयासों के चलते पाकिस्तान को दुनिया को जवाब देने में मुश्किल हो रही है। श्रीनगर के पास सीआरपीएफ के 8 जवानों के शहीद होने के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और इस हताशा की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस बीच पंपोर हमले की खामियों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय का 3 सदस्यीय दल आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा का फैसला किसके साथ करोगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि और एक्टर्स के साथ? और इसलिए भारत ने हर पल सजग रहना पड़ेगा, हर पल चौकन्ने रहना पड़ेगा और उसमें कभी भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट से देश का भला नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री का यह बयान सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेता खुद को व्यवस्था से ऊपर ना समझें। उन्होंने पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी से काम करने को कहा है। मेरी पार्टी में हो या ना हो, फिर भी मैं मानता हूँ इस प्रकार की चीजें अनुचित है। ये जो पब्लिसिटी का शौक है उससे कभी भी देश का भला नहीं होता है। बहुत जिम्मेदारी से हर किसी ने व्यवहार करना चाहिए। कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने वो गलत है। दरअसल पिछले कुछ समय से स्वामी रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को बर्खास्त करने की मांग की थी। वहीं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकानंद दास पर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री ने रघुराम राजन पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनकी देशभक्ति की तारीफ की। हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है। उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे। मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूँ, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर वित्त मंत्री ने भी बीजेपी नेताओं को अनुशासन में रहने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का 35वां सदस्य बन गया है। इससे भारत मिसाइल की उच्च तकनीक खरीद सकता है और सदस्य देशों को इसकी तकनीक बेच सकता है। चीन अभी तक इसका सदस्य नहीं है।
MTCR में शामिल होने का अमेरिका और फ्रांस ने स्वागत किया है। सोमवार सुबह MTCR सचिवालय ने विदेश सचिव एस जयशंकर को सदस्यता के दस्तावेज सौंपे। नीदरलैंड के राजदूत पीटर डी क्लार्क और लग्जमबर्ग के राजदूत रॉबर्ट स्टीनमेट्स ने विदेश सचिव से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए। विदेश मंत्रालय ने MTCR के सभी सदस्य देशों का शुक्रिया अदा किया। भारत MTCR का 35वां सदस्य है। सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के बावजूद चीन को इसकी सदस्यता नहीं मिली है। ये समूह पूरी दुनिया की मिसाइल तकनीक को नियंत्रित करता है। Supersonic missile systems to other countries, plus transfer of technologies from the MTCR countries to us and vice versa. Because if you remember in late 90s, we were denied the technology of the cryogenic engine by Russia simply because we were not in the MTCR regime. भारत ने पिछले साल MTCR की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। अमेरिका से परमाणु करार होने के बाद से भारत को सदस्यता देने की बात चल रही थी। MTCR का सदस्य होने से इसरो को उच्च तकनीक मिल सकेगी। भारत वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकेगा। इससे मेक इन इंडिया में भी मदद मिलेगी। अब इसराइल से एरो मिसाइल भी मिल सकेगी। वहीं अमेरिका से प्रीडेटर मिसाइलें और ड्रोन भी खरीदे जा सकेंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। 125 करोड़ जो भारतवासी हैं और हमारी जो अपनी क्षमता है, उस क्षमता और उपलब्धि को अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिलना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। MTCR में शामिल होने से परमाणु अप्रसार में भारत की विश्वसनीयता और बढ़ेगी। हालांकि इसमें खास सीमा तक मिसाइल और मारक पदार्थ ले जाने पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। पिछले हफ्ते चीन समेत कुछ देशों के विरोध के चलते भारत को NSG की सदस्यता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में MTCR की सदस्यता को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा TV। सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम में संशोधन किया है। इसके बाद इन दवाओं की कीमत में 15% तक कमी आई है। सोमवार को राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने औषधि मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश 2016 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। 45 अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित या संशोधित किए गए हैं। इससे 42 जरूरी दवाओं की कीमतों में 15% तक की कमी आएगी। साथ ही TB, कैंसर, अस्थमा और दिल की बीमारी के इलाज से जुड़ी 54 दवाओं की कीमतों की सीमा तय कर दी गई है। मूल्य सीमा का पालन नहीं करने वाले निर्माताओं को वसूली गई राशि को ब्याज समेत जमा कराना होगा। पंजाब में नए प्रभारी की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। पार्टी सचिव आशा कुमारी के बहाने विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहा है, जिसके चलते पार्टी फिलहाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। पंजाब में आशा कुमारी को पार्टी प्रभारी बनाने के बाद से कांग्रेस एक बार फिर मुश्किल में है। विपक्ष का कहना है कि आशा कुमारी जमीन घोटाले के मामले में सजा काट चुकी हैं और ऐसे दागी छवि वाले लोगों को नेतृत्व सौंप कर कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो दागी ना हो। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में जो बुरी स्थिति है भ्रष्टाचार की, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा पंजाब को तबाह करने की बात करी है। कांग्रेस ने 1980 के दशक में जो आतंकवाद आया, उसकी जन्मदाता कांग्रेस थी। 1984 के दंगों की जन्मदाता कांग्रेस थी। 84 का 32 साल इंसाफ ना मिलने की जन्मदाता कांग्रेस है। मैं समझता हूं कांग्रेस ने हमेशा एंटीसिक स्टैंड रखा है और पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ स्टैंड रखा है। वहीं कांग्रेस ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। आशा कुमारी ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। नॉन इशू का कोई इशू थोड़ी बनता है, ये कोई इशू थोड़ी है। इशू ये है कि पंजाब में कांग्रेस को हम कैसे सत्ता में लाएंगे। इशू ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे इंटरनल वर्किंग से क्या लेना देना है। नथिंग, इट वी आर वेरी मच geared up to form the government in Punjab and the BJP is scared, डर रही है। और कहीं कहीं के बिना जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है जिस बात का, उसको इश्यू बनाना चाहते हैं। कांग्रेस सचिव आशा कुमारी डलहौजी से विधायक रह चुकी हैं। 1998 में चंबा जिले में उन पर 67 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगा था। इस मामले में अदालत ने उन्हें 1 साल की सजा दी थी। आशा कुमारी फिलहाल जमानत पर बाहर है।
उनसे पहले पार्टी ने पंजाब की बागडोर कमलनाथ को सौंप दी थी, लेकिन सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका के चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। इसकी वजह से पद संभालने के 3 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के मामले में चुनाव आयोग 14 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगा। इन विधायकों पर लाभ के पद पर आसीन होने का आरोप है। आयोग ने पिछले महीने ही इन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में विधायकों ने निजी तौर पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था। संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर करने के लिए दिल्ली सरकार एक विधेयक भी लाई थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से मना कर दिया था। इसके बाद से विपक्ष इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। कल बस्तर के दरभा डिवीजन में 8 महिलाओं समेत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। बस्तर के SP आरंदास के मुताबिक इस साल जिले में अब तक 350 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आने वाले दिनों में पुलिस भर्ती में भी योग्यता के हिसाब से मौका दिया जाएगा। साथ ही समाज के मुख्य धारा में लौटने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी, साथ ही रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। कुल 10 माओवादी ने सरेंडर किया, इसमें 9 माओवादी दरबा डिवीजन से है, 1 बारसूर एरिया कमेटी में से है, वो LGS की मेंबर थी, बिलास के साथ में काम कर रही थी, उसके ऊपर में 1,00,000 रुपए का इनाम है, उसके नाम असंती है। अभी तक जितने समर्पण किए कुल संख्या 350 आज मिलाकर हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस के मुताबिक नागरी इलाके को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल नागरी गांव पहुंचे, जहां आतंकी छिपे हैं। इस इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इस ऑपरेशन में सेना और SOG के जवान लगे हुए हैं और दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। 7वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है। सचिवों की समिति ने रिपोर्ट पर सुझाव सौंप दिए हैं। वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार करके इसे पेश करेगा। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। आयोग ने मूल वेतन में 14.27% की बढ़ोतरी करने को कहा है, जो 70 साल में सबसे कम है। PTI के मुताबिक सचिवों की समिति ने मूल वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। वहीं न्यूनतम वेतन 23,500 रुपए और अधिकतम वेतन 3,25,000 रुपए करने की सिफारिश है। सोने की कीमतें फिर से तेजी पकड़ने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल की वजह से सोना निवेश के लिए बेहतर माना जा रहा है। साल के आखिर तक इसकी कीमतें 33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकती हैं। सोने की चमक फिर से वापस लौटने लगी है। शुक्रवार को ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के फैसले के बाद सोना 8.2% उछलकर $1,319 प्रति आंस पर पहुंच गया, जबकि घरेलू बाजार में सोना 1,000 रुपए की तेजी के साथ 30,875 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 2016 में सोने के दामों में 6% का इजाफा दर्ज किया गया। जानकारों के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल और मुद्रा बाजार में हलचल इसकी बड़ी वजह है। पिछले 1 महीने से या 15-20 दिन से जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नीचे जा रही हैं, ऑयल भी नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रही हैं, बॉन्ड मार्केट्स तो चलो उनकी यील्ड है तो वो तो स्टैंडर्ड है अभी तक तो, और जहां पर सोना और चांदी है इनके रेट बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में 2016 में सोने की मांग में 10% का इजाफा दर्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से सोने के और मजबूत होने की उम्मीद है। देश में 2/3 सोने की मांग ग्रामीण इलाकों से होती है, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान सूखे की वजह से सोने की मांग में कमी आई। 2016 में बेहतर मानसून की वजह से सोने के दामों में और इजाफा होने की उम्मीद है। इसकी लिक्विडिटी इज वेरी फास्ट, यू कैन सेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आज आपको जरूरत है, यू नीड मनी, यू कैन इमीडिएटली सेल गोल्ड। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कमोडिटी जो इतनी फास्ट आप बेच सकते हैं। इवन शेयर मार्केट के अंदर भी आपको 3 दिन बाद पैसा रियलाइज होता है। चीन में आर्थिक मंदी की वजह से भी सोने की कीमतों में इजाफे को बल मिला है। वहीं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज और मौद्रिक नीति में ढील देंगे।
इस तरह के कदम से सोने को समर्थन मिलेगा, इससे गोल्ड होल्डिंग की लागत घटेगी और ऐसे अनिश्चितता भरे माहौल में सोना एक आकर्षक निवेश विकल्प होगा। साल 2014-15 में सोने और रियल एस्टेट को वर्स्ट एसेट क्लास की श्रेणी में रखा गया था। सोने के दाम 25,610 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। जहां रियल एस्टेट का आउटलुक अभी भी उदासीन बना हुआ है, वहीं सोने की चमक बढ़ रही है। दिल्ली से कैमरामैन प्रेम के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे आइसलैंड से हार, इंग्लैंड यूरो कप से बाहर। युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आएंगी, समाज गिरेगा, उठेगा और फिर चलेगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या, सिर्फ मुआवजा या पुनर्वास? विधवा पेंशन का फॉर्म तो मैंने भरा था, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। किसी ने नहीं पूछा, कोई आया नहीं हमारे पास। देखिए, ये भी मुद्दा है, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली में डेंगू के मामले समय से पहले और बड़ी तादाद में सामने आए हैं। 25 जून तक 28 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ जून में 15 मामले आ चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मई तक 13 मामले दर्ज हुए थे, जिससे राजधानी में दर्ज कुल मामलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। ये स्थिति तब है जब इस साल अब तक मानसून की बारिश भी शुरू नहीं हुई है। पिछले साल 1 से 25 जून तक सिर्फ 6 मामले दर्ज हुए थे। और बात मौसम की करते हैं। हल्की बारिश और तेज धूप से पैदा भारी उमस से उत्तर और पूर्वी राज्यों में लोग परेशान हैं, जबकि मानसून पूर्व भारी बारिश से उत्तर प्रदेश की ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देर रात बारिश से दिल्लीवासियों को राहत तो मिली, लेकिन मानसून की बारिश के लिए उन्हें 3-4 दिन और इंतजार करना होगा। भारी उमस ने उत्तर और पूर्वी राज्यों में लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया। हालांकि राजधानी दिल्ली में देर रात बादल जमकर बरसे तो गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को थोड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से जहां फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात और मिर्ज़ापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, वहीं मोहना और बांदा में यमुना, लखनऊ में गोमती और खीरी में शारदा का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, जहां अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी अगले 4-5 दिन मौसम जो खराब रहेगा और लगातार बारिश हो सकती है, काफ़ी स्थानों में बारिश होने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा और जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, बिलासपुर है और डिस्ट्रिक्ट सोलन में हैवी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटी है। उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में तापमान सामान्य के आसपास रहा, लेकिन भारी उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो हुई, मगर राज्य में गर्मी के हालात जस के तस हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर और पूर्णिया में हल्की बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई, तो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में बारिश के बावजूद उमस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बेमौसम भारी बारिश, बिजली गिरने, लू और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को राज्य आपदा माने जाने का ऐलान किया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक इन आपदाओं के पीड़ितों को राज्य आपदा राहत कोष के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले बिजली गिरने, तूफान और लू से मौत के मामलों में स्थानीय प्रशासन की तरफ से बहुत कम मुआवजा मिलता था, लेकिन इस अधिसूचना के बाद अब ऐसे मामलों में मृतक के परिजनों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर साल ऐसी आपदाओं में बड़ी तादाद में लोगों की मौत होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाली संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने सोमवार को एक 7 सदस्य समिति का ऐलान किया है।
इस समिति में सत्ताधारी CPN-UML के दो सदस्य, माओवादी पार्टी और प्रजातंत्र पार्टी से एक एक सदस्य और विपक्षी नेपाली कांग्रेस के दो सदस्य होंगे। इसके अलावा पिछले साल आए भूकंप में मरने वालों के परिजनों को 2,00,000 रुपए की सहायता का ऐलान भी किया गया है। नेपाली संसद में भूकंप पीड़ितों के मुद्दे पर पिछले कई दिन से गतिरोध जारी है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रही हैं। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर उठा राजनीतिक तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कैमरन ने यूरोपीय संघ से बाहर होने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नई सरकारी इकाई गठित किए जाने की घोषणा की है। आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक बुलाई गई है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी यूरोप में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट वोट के बाद से शुरू हुई राजनीतिक खींचतान थमती नजर नहीं आ रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि 2 सितंबर तक ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री शपथ ले लेगा। इस बीच डेविड कैमरन ने सोमवार को संसद में कहा कि वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस जनमत का आने वाले समय में बुरा असर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रेक्सिट के बाद भी दुनिया भर से ब्रिटेन के रिश्ते बरकरार रहेंगे। The nature of the relationship we secure with the EU will be determined by the next government, but I think everyone is agreed that we will want the strongest possible economic links with our European neighbours, as well as with our close friends in North America, the Commonwealth and important partners like India and China. बगावत का सामना कर रहे लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने सोमवार को संसद के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया। कॉर्बिन ने कहा कि ब्रेक्सिट के बहाने लोगों को बांटने और देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक शुरू हो रही है। इससे पहले बर्लिन में फ्रांस, जर्मनी और इटली ने बैठक की। इसमें तय किया गया कि यूरोप से अलग होने के औपचारिक अनुरोध से पहले ब्रिटेन से कोई द्विपक्षीय या अनौपचारिक बातचीत ना की जाए। हालात पर चर्चा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी कल लंदन पहुंचे। On strong UK leadership in NATO, the G7, the UN Security Council, the Counter-Daesh Coalition. And we are both looking forward to the NATO summit next month as 28 nations, including 22 EU members, come together in Warsaw. ब्रेक्सिट वोट के बाद ब्रिटेन में नस्लीय हिंसा से जुड़ी घटनाओं में इजाफा हुआ है। सोमवार को कुछ असामाजिक लोगों ने लंदन में पॉलिश सेंटर पर हमला किया। ब्रिटिश बाजार और पाउंड की कीमतों में गिरावट जारी है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ब्रिटेन की AAA क्रेडिट रेटिंग वापस ले ली है। एक और एजेंसी मूडी पहले ही ब्रिटेन की रेटिंग नकारात्मक कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात टेनिस की। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में जीत के साथ शुरुआत की है। जोकोविच पहले दौर के मुकाबले में ब्रिटेन के जेम्स वार्ड को सीधे सेटों में हरा कर आगे बढ़े। पहला सेट जोकोविच ने आसानी से जीत लिया। चौथे विंबलडन खिताब के लिए खेल रहे जोकोविच को दूसरे सेट में वार्ड ने चुनौती दी। हालांकि जोकोविच दूसरा सेट भी 7-6 से जीतने में कामयाब रहे। इस साल ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके जोकोविच ने तीसरा सेट भी आसानी से 6-4 से जीत लिया। उधर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले फेडरर ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। कल पहले दौर के मुकाबले में फेडरर को अर्जेंटीना के गुइडो पेला को हराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आखिर में फेडरर ने यह मुकाबला 7-6, 7-6, 6-3 से जीत लिया। फेडरर 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं। महिला एकल की बात करें तो 5 बार की चैंपियन वीनस विलियम्स ने भी दूसरे दौर में जगह बनाई है। वीनस ने कल क्रोएशिया की डोना वेकिच को 7-6, 6-4 से हराया। मौजूदा टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में 36 साल की वीनस सबसे ज्यादा उम्र की खिलाड़ी है। मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन स्पेन की गर्बाइन मुगुरुजा भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर में मुगुरुजा ने इटली की कैमिला जियार्जी को मात दी। हालांकि जीत के लिए मुगुरुजा को 3 सेट तक मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने ये मैच 6-2, 5-7, 6-4 से जीता।
इसके अलावा दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी अना इवानोविच 223वें नंबर की खिलाड़ी रूस की अलेक्जेंड्रावो से हारकर उलटफेर का शिकार हो गई। बात फुटबॉल की करते हैं। इटली और आइसलैंड यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इटली ने पिछली बार की चैंपियन स्पेन को 1-2 से हरा दिया। इटली की तरफ से गियार्डियो चेलिनी और रेजियानो पेलेरी गोल किए। दूसरे मैच में आइसलैंड ने जीत की प्रबल दावेदार इंग्लैंड को 2-1 से हरा कर बाहर कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से वेन रूनी ने गोल किया जबकि आइसलैंड की तरफ से सिगुआसन और सिगोटसन ने गोल किए। मैच में हार के बाद इंग्लैंड के कोच रॉय हॉडसन ने इस्तीफा दे दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस। सीमा पर सैनिकों को जवाब देने की पूरी आजादी, प्रधानमंत्री का बयान, पाकिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत, शांति के लिए संवाद जरूरी। टीबी कैंसर का इलाज होगा सस्ता, सरकार ने 42 जरूरी दवाओं के दाम 15% तक घटाए, गंभीर बीमारियों से जुड़ी 54 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, यूपी में गंगा समेत 4 नदियों का जलस्तर बढ़ा, बारिश से दिल्ली में गर्मी से राहत। ब्रेक्सिट पर पहल के लिए कैमरन ने बनाई टीम, 2 सितंबर तक नए प्रधानमंत्री का चयन, ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक आज। ग्रासकोर्ट चैंपियन बनने की जंग शुरू, जोकोविच फेडरर वीनस का जीत के साथ आगाज, पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी अना इवानोविच पहले ही दौर में उलटफेर की शिकार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।